हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रही हूँ और पकाकर दिखाऊंगी भी। ये देखिए ये क्या है, ये है कुकिंग किट जो नेपाल के आर्मी लोगों को मिलता है 1 से 2 दिन तक जंगलों में खाना बनाने के लिए। इस पे अंडा फ्राई कर सकते हैं, ब्रेड गर्म कर सकते हैं, नूडल बना सकते हैं, थोड़ा थोड़ा खाना पका सकते हैं इस पे। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं खोल कर दिखाऊंगी कि इसके अंदर क्या क्या है। ये देखिए, ये है स्टोव जिसको ऐसे, ये बंद है ऐसे, इसको ऐसे टैबलेट है। एक में एक और भी है, इसमें 6 टैबलेट है। और इसके अंदर ये देखिए कांटा वाला चम्मच भी है और ऐसा चम्मच भी है। और इसके अंदर हमें मिलता है 1 स्लाइस आग लगाने के लिए। ये देखिए मेरे पास है 1 छोटा सा पैन जिसपे मैं अंडा बनाकर दिखाऊंगी। ये देखिए हमारे पास ये खाना बनाने वाला टैबलेट है जिसमें आग लगाऊंगी मैं। ये है 6, इसमें से मैं 1 निकालूंगी और यहाँ पे रखूंगी, यहाँ बीच सेंटर में, और साइड साइड में यहाँ पे छेद भी है एयर लेने के लिए, हवा लेने के लिए, ताकि ये अच्छे से बल पाए। ये है हमारा माचिस जिसको मैं ऐसे बालूंगी। देखिए कितनी अच्छी तरह से बन रहा है। एक और टैबलेट रख देती हूँ मैं उसके ऊपर। ऐसे देखिए बलने लगा, ये मैं पैन रख दूंगी इसके ऊपर। ये देखिए कितनी अच्छी से जल रही है, इतना ज्यादा आग है यहाँ पे। हम पैन रखेंगे तो हमारा पैन भी गर्म हो जाएगा और इस पे अच्छे से हम ऑमलेट बना सकते हैं। मैं ऑमलेट बनाकर दिखाऊंगी आप लोगों को अभी। हमारा पैन गर्म हो रहा है तब तक मैं इसको अच्छे से चोक कर दूंगी। ये हमारी हरी मिर्च जो मैं ऑमलेट में मिक्स करूंगी। ये हमारा अंडा, यहाँ पे 2 अंडे का ऑमलेट बनाऊंगी।
चमचा था। मेरे पास घी जो मैं इसमें ऐड करूंगी, कितना हमारा पैन बहुत गर्म हो चुका है। मैं अपने अंडे को रखूंगी इसमें। वाकई ये किट बहुत कमाल की, आप कहीं पे भी इसमें रखकर पका सकते हैं। ये देखिए मैंने अपने रूम में ही टेबल पे इसको लगा दिया है और कितने अच्छे से पक रहा है। एक ही टैबलेट कितने देर से चल रहा है बेचारा। एक और टैबलेट मैं रखूंगी क्योंकि यहाँ पे एक और टैबलेट रखूंगी मैं ऐसे। ये देखिए हो गया। अब मैं पैन को फिर से रखूंगी। देखिए हमारा आग फिर से तेज होने लगा। हमारा ये पैन भी बहुत क्यूट है। ये देखिए ये कितना अच्छा सर्वाइवल किट है। कितने मजा से हम लोग टेबल पे ही ये ऑमलेट बना लिया है। देखिए कितना क्यूट है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा है ये। हमारा ऑमलेट पक चुका है, ये देखिए। अब मैं इसको यहाँ वाह कितने मजे से पक गया ऑमलेट हमारा। हमें इस पे मछली भी फ्राई करना है, इसलिए मैं एक और टैबलेट रखूंगी। ये इस टैबलेट में भी लग गया। मैं पैन को फिर से रखूंगी। देखिए आग लगने लगा, उसमें भी लग गया। मैं पैन को रखूंगी फिर से।
कमाल का स्टोव है ये। ये देखिए हमारा मछली एकदम अच्छे से तल गया है, बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसको निकाल लूंगी यहाँ से।